अरे क्या बात है भाई, बहुत खुश हो रहे हो, क्या बात हो गई? अरे सर, लैपटॉप मेरा बहुत स्लो हो गया था, लेकिन सर अब इसमें SSD लगवा के आ रहा हूँ, मजा आ गया सर चला के, बिल्कुल फास्ट। और ये हार्ड डिस्क इसका क्या काम, सेकंड हैंड में भेज दूंगा इसको। भेज दोगे सेकंड हैंड में? हाँ, और क्या। अरे इसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बना लो ना। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क? हाँ, इसकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क सर, वो तो बिल्कुल। खरीदनी पड़ती है ना। नहीं, इसे बना सकते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हम। अरे सर तब तो मजा आ जाएगा। दोस्तों, लैपटॉप के इंटरनल हार्ड डिस्क को एक्सटर्नल बनाने के लिए मार्केट में जाकर आपको एक ऐसी एक्सटर्नल केसिंग लेनी पड़ेगी लैपटॉप की हार्ड डिस्क की। इसे आपको यहाँ से खोलना है। खोलने के बाद इसके अंदर आपको एक कनेक्टर मिलेगा। इस कनेक्टर को सावधानी पूर्वक निकालना है और इसे अपनी हार्ड डिस्क के कनेक्टर के साथ ऐसे कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद इसे दोबारा से अपनी इस केसिंग के अंदर प्लेस कर देना है। प्लेस होने के बाद इस कवर को बंद करना है। इस केसिंग को बंद कर देंगे हम इसे, और फिर ये केबल जो इसके साथ आई है इसका एक एंड हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और सेकेंड एंड कर देंगे सिस्टम के साथ कनेक्ट। ये बन गई आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क।